भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर येथील यूएसए विद्यानिकेतन शाळेत 10व्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे पालक हे विद्यार्थ्यांच्या समस्येबद्दल शाळेत जाब विचारण्यासाठी गेले असता शाळेतील मुख्याध्यापकांनी पालकांसोबत सीविगाळ करत मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असून यासंबंधी ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली आहे. भंडारा जिल्ह्याची कुबेर नगरी व शिक्षण क्षेत्रात अग्रगण्य समजल्या जाणाऱ्या तुमसर शहरात यूएसए विद्यानिकेतन शाळेत ज्ञानेश्वर राऊत त्यांचा मुलगा 10व्या वर्गात शिक्षण घेत असून मुख्याध्यापकांनी पालकांना गलिच्छ भाषेत शिविगाळ करत मारहाण देखील केली आहे. याचा ऑडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल झाला आहे. आता याची तक्रार पालकांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. माझे नाव नागेश्वर राऊत आणि शाळा यूएसए विद्यानिकेतन तुमसर आणि प्रिन्सिपल विनोद पिल्ले तिथं मला फीस करता बोलवण्यात आला. मी फीस भरण्याकरता म्हणा किंवा मला काही आर्थिक परिस्थितीनुसार मी त्या वेळेवर फीस भर म्हणजे कालच्या काल फीस भरू नव्हतो सकत त्याच्यामुळे मी मला बोलवण्यात आला तर मी गेलो शाळेमध्ये आणि बोलवल्याच्या गेल्याच्या नंतरमध्ये मला कॅबिनमध्ये पाठवण्यात आलं. त्यांची परमिशन घेऊन सरणी कॅबिनमध्ये गेलो. कॅबिनमध्ये गेल्याच्या नंतरमध्ये त्यांच्याशी त्यांनी माझ्यासोबत ज्याप्रमाणे बोललं ज्याप्रमाणे माझ्यासोबत सीविगाळ केली ज्याप्रमाणे माझ्यासोबत त्यांची वागणूक आहे ते वागणूक त्यांच्या त्या पदावर बसून जरिणी ते ज्या प्रकारे वागले ते योग्य नाही आणि त्यांच्यावर प्रत्येक कारवाई अशी व्हायला पाहिजे की जे त्या चेअरवर बसून जरिणी त्याच्यानंतरमध्ये असा कोणत्याही प्रिन्सिपलनी कोणत्याही पॅरेंट्सला असे वाक्य असे शब्द असा वायफळ पणाने बोलू नये ना कुणाला बोलायला पाहिजे. माझी मागणी ह्याच्या त्यांची त्याच्यावर म्हणजे FIR व्हायला पाहिजे आणि त्यांना या इथून डिसमिस करून जरणी त्या शाळेमधून काढायला पाहिजे. कारण माझ्याच मुलाचा प्रश्न नाही तर अजून बाकीच्या मुलांचा प्रश्न आहे भविष्याचा प्रश्न आहे तिथं आणि त्यांची वागणूक ज्याप्रमाणे ते माझ्यासोबत वागले तसे कोणत्याही पेरेंट्ससोबत वागू शकतात. त्यांची वागणूक बरी नाही आहे आणि त्यांचं बोलणंही बरोबर नाही आहे पोरांसोबत. कल एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसमें यूएसए विद्यानिकेतन स्कूल के प्रिंसिपल है, नए नियुक्त प्रिंसिपल है जो 2-2.5 महीने पहले आए हैं विनोद पिल्ले. तो उस वीडियो में इन लोगों ने एक पालक के साथ में बहुत ही गैर व्यवहार करा. वो फीस के लेकर संबंधित कुछ था और उसके बच्चे के प्रोग्रेस के लिए वो चीज़ें थी. पर वो जब हमने 23 मिनट का वीडियो सुने तो उसमें बहुत ही वल्गरली चीज़ें बोली गई. उसको गालियाँ तो बकी गई पर साथ में उससे उस पालक से राउत पालक है उससे माफ़ी भी मंगवाई गई. और माफ़ी ऐसी नहीं मंगवाई गई, माफ़ी घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मंगवाई गई. और साथ में वीडियो समथिंग को चल रहा हूँ तो उसका मोबाइल भी ले लिया गया, उसे तोड़ा भी गया और फोड़ा भी गया. जब पालक से बात हुई तो उसने बोला कि भैया मुझे कम से कम 2500 के आसपास का खर्चा. तो एक प्रिंसिपल की जो गरिमा होती है, क्योंकि इस स्कूल से हमारा बहुत पुराना नाता है, और अगर एक पालक की यहाँ पर अगर वो इज्जत उतार रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी दे रहे हैं और जिस तरीके से उससे गैर व्यवहार करे, ये सिर्फ उस पालक का अपमान नहीं है, ये यूएसए में पढ़ने वाले सारे पालकों का अपमान है और साथ में ही जितने भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है उन सभी पालकों का वो अपमान है. और जिस तरीके से अगर ये अपमान एक प्रिंसिपल कर रहा होगा और अपने पद का गरिमा अगर वो भूल रहा होगा, अगर चाहता तो ये हरकतें न करते हुए सीधा वो बच्चे को स्कूल से बाहर भी कर सकता था, मगर उन्होंने अपना खुद का आपा खोए और आपा खोने के साथ में इतनी भद्दी उसे गालियां दी, इतनी गंदी गालियां दी, जिंदा गाड़ देने की भी बात करें. भैया एक एक प्रिंसिपल ऐसे कैसे किसी को बोल देगा कि मैं तेरे को जिंदा गाड़ दूंगा, तुम चाहे कितने बड़े अब बहुत सारे नेताओं के नाम लिए उन्होंने, सर्वपक्षीय नेताओं के नाम दियो. तो जिस तरीके से अगर उन्होंने ये व्यवहार करे वो कहीं ना कहीं गैर व्यवहार है और ये व्यवहार के लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए. और मेरे तरफ से मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई भी प्रिंसिपल हमारे शहर के स्कूल में नहीं चाहिए जिससे गाँव का वातावरण खराब हो और जिससे पालकों को भविष्य में और हम उनके बच्चों को तकलीफ हो. मेरे को ऐसे मत लेके जाओ, मैं अभी दो कान के नीचे दूंगा. आप ऐसे नहीं लेके जाएंगे, ऐसा बात करेंगे ना, मैं खुद जा रहा हूं, दो कान के नीचे दूंगा. मैं क्या बोल रहा हूं, निकल यहां से, निकल रहा हूं ना, चल निकल यहां से, मैं निकल रहा हूं. बोला सर, निकल रहा हूं. ऐसे हाथ से बात, ऐसे नहीं, तेरे को दो कान के नीचे दूंगा. क्या बात कर रहा है सुनो मैं तू स्कूल में आके गाली भगेगा? गाली नहीं बकता दूंगा मैं तेरे पास. मैं गाली नहीं बकता. प्रिंसिपल को ये करेगा, मैं आपको गाली नहीं स्कूल में गाली भगेगा. मोबाइल तोड़ना नहीं, दो एक फाइट. देखो सर, आप निकल यहाँ से. निकल रहा हूँ, निकल. मोबाइल छोड़ो, निकल. मैडम बताओ, गाड़ी आपको गाड़ी नहीं जानता तू सारे.
दो दिन नहीं हुई तेरी ऐसी की तैसी। सॉरी बस साले का सॉरी बोल दिया मैंने। कान पकड़ घोसड़ी की, कान पकड़ के सॉरी बोल साले। अरे बच्चे की फीस के लिए आया था मेरे को, तू प्रिंसिपल को गाली भरेगा साले। तेरी औकात है मेरे को खरीदने की? फोन करता करके तो दीन को फोन, मेरे को किसी को फोन नहीं करना है सर। मैं आपको बोला मेरे बच्चे की साले, मैं अपने बच्चे की लाइफ के अंदर आएगा पेरेंट जैसे आना, मैं पेरेंट जैसे जिंदा गाड़ दूंगा सर। आपको कुछ भी नहीं बोला सर, उल्टा लटका दूंगा, उल्टा लटका दूंगा। ये दुबे सर के साथ करना, ये विनोद पिल्ले है साले, मेरे स्कूल में आके मेरे को बोलेगा। ये यहाँ के स्टाफ होंगे साले सुन के लेते सर, मैं आपको उल्टा लटका दूंगा, छोड़ बहन यहीं पे गाड़ दूंगा साले। क्या बोलेगा? मैं घुटने पे बैठू? ठीक है मैं घुटने पे बैठ रहा हूँ, मेरे मोबाइल दो आपके सामने, अभी मैं माफी मांगा ना सर, और क्या करूँ मैं, बोलो ना मेरे को राइटिंग में लिख के दे। हा ऑडियो व्हायरल होताच इतर पालकांनी देखील शाळेत जात मुख्याध्यापक पिल्ले यांना जाम विचारले असून मुख्याध्यापकावर कारवाई व्हावी अशी मागणी देखील पालकांनी आता केली आहे।